सो हेलो स्टूडेंट्स और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी एंड फिट होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, आज की एक न्यू क्लास है आप लोगों के लिए, जिसमें हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज करने वाले हैं। सो कोशिश करेंगे यहाँ पर कि हम सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लें, किस चैप्टर के जो टर्म वन में आने वाले हैं। सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हम करने वाले हैं। सो जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। सो देखिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले से रिलेटेड जहाँ एक लेक्चर रहेगा। सो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कुछ ट्रिक्स जो भी हैं आप लोगों की, जो आपको याद करके जाना है, ठीक है, एग्जाम में जो आप लोगों को याद करके जाना है, डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन बनेगा। सो ये जो क्लास आप लोगों की एक टाइप की रिविजन क्लास आप लोगों की कहलाई जाएगी, एक रिवीजन क्लास है आप लोगों की। ऑल राइट, सो हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की तरफ। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, रियल नंबर। सो देखिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, वीडियो छोटा करेंगे इसको, कोशिश करेंगे, ठीक है, वीडियो छोटा रहे। सो देखिए फ्रेंड, रियल नंबर्स में सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को पता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है आप लोगों ने एग्जाम में, आप लोगों ने एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। देखिए मेरी जितनी वीडियोस हैं, मैंने आपको फुल प्रिपरेशन करवा रखी है, एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिए हैं, केस स्टडी मैंने करा दी है, असर्शन रीजन की तरफ भी आप जा सकते हैं, वो भी मैंने करवा दिया है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेज जहाँ पर मैंने आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करवा रखे हैं, सारे के सारे प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। सो अब देखिए क्वेश्चन ये है हमारा, इससे क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऑलराइट, देखिए ये प्लीज आप इनको याद करके जाइएगा, देखिए इन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, इन क्वेश्चन पर, इन फॉर्मूलेस पर प्रैक्टिस करिएगा, जरूर एंड डेफिनेटली आएगा। और देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आप लोगों को दिखेगा, ये देखिए कुछ इस तरीके का आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा। मान लीजिए ये है, सपोज मान लीजिए ये, ऑलराइट, मान लीजिए क्वेश्चन है इस टाइप का और ऐसे करके ही दिखेगा, देखिए, ठीक है। देखिए मैंने अभी एग्जाम्पल ले रखा है, अभी नहीं पता ये क्वेश्चन सही है गलत है करके। सो इस तरीके का मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, इस तरीके से आप लोगों को पूछेगा, आप लोगों से मान लीजिए इस तरीके से, ठीक हो गया। सो ये नंबर्स होंगे, आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो इस तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया रहेगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, नहीं, फाइंड इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड द इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इतना, एच सी एफ इज इतना, सो इफ फर्स्ट नंबर इज इतना एंड द फाइंड द सेकंड नंबर। सो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए ये हमारा पहला टॉपिक था जहां से हमारा क्वेश्चन आने वाला है। दूसरी चीज, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, क्या इसमें एक चीज आती है हमारा रेशनल, रेशनल नंबर को पहचानना। देखिए फ्रेंड्स, जब भी ये रेशनल नंबर की बात करूंगा, सो रेशनल नंबर को पहचानना है कैसे करेंगे, देखिए एक चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो भी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ऑल राइट, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये जो नंबर्स होंगे आप लोगों के क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग तो पता है, देखिए लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या चीज आनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग आना चाहिए। इट मींस कहीं कहीं पर इसका जो ये है हमारा, इसको रिकरिंग भी लिखा होगा, ऑलराइट। सो प्लीज आप इसमें डिस्टर्ब मत होइएगा इन चीजों से। सो टर्मिनेटिंग जैसे मान लीजिए ये इस टाइप का, ठीक है, ये सब रेशनल नंबर्स है हमारे, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इस टाइप के ये सिंपल एज नंबर है, जैसे कि ये, अब देखिए ये आ गया रिपीटिंग 3.3333, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है इस तरीके के, ठीक हो गया। इस तरीके जितने नंबर्स हैं आप लोगों के क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। ऑल राइट, कुछ भी हो लाइक दिस, देखिए अंडर रूट 4 है, ये ब्रेक होगा 2 बन जाएगा, ठीक हो गया। सो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी सबको लिखा जा सकता है। सो ये क्या हो गया आपके रेशनल नंबर्स। अब देखिए इसके इरेशनल नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर आपको सबसे हटके दिखेगा जब कभी भी आप लोग ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। सो देखिए इरेशनल नंबर कैसे हटके दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखेगा। देखिए कुछ इस टाइप का आपको नंबर दिखेगा, मान लीजिए 1.03, फिर 003, फिर 0003, फिर 1, 2, 3, 4, ऐसे करके 3 एंड सो ऑन टू दिस। देखिए ये नंबर ऐसा है जो ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स ही क्या होते हैं आप लोगों के, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ऑलराइट, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या, नॉन रिपीटिंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये देखिए
ये जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इतना तो देख लिया, आप लोगों को पता चल गया। और एक चीज़ और, किसी भी अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आए, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं आपके, इरेशनल इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। ऑल राइट, तो इस तरीके के याद, ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब एक लास्ट एक कॉन्सेप्ट और है इसमें जो आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। सो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, विच ऑफ द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, परखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस तरीके का। जैसे मैंने लिख दिया 13/100 लिख दिया, ठीक है। सो देखिए आपको चेक करना है, ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग और नॉट, टर्मिनेटिंग और नॉट क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इस डिनोमीटर को चेक करेंगे, ठीक है। ये सारे चैप्टर मैंने आप लोगों को ले रखे, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर कुछ, ठीक है। डिनोमीटर को चेक करिए, अगर इसके फैक्टर्स करने में इसकी पावर ओनली, ध्यान से सुनिए, डिनोमीटर्स के फैक्टर्स ओनली कैसा है, 2^m × 5^n-, तभी ये क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ऑल राइट, क्या कहलाएगा, डेपी टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपने सुना होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे, ठीक है, तभी ये कहलाएंगे। इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, 2^m × 5^n ही होना चाहिए इसके फैक्टर्स, ठीक है, इस 100 के फैक्टर्स, इस 100 के, ऑल राइट, इस 100 के फैक्टर्स 2^m × 5^n में होने चाहिए। अगर नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में, सारी क्लासेस आप देख लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सारी क्लासेस हमने करा रखी है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वहाँ पर करवा रखे, बहुत ईजिली करवा रखा है। ऑल राइट, और एक चीज़ और, मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स की एक क्वेश्चन, एक हमने क्लास भी ले रखी है, ठीक है। सो एक क्लास हमारी अलग से क्लास है रियल नंबर्स की, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए तो रियल नंबर्स में हमारा इतना ही था, यही हमसे पूछेगा। ऑल राइट, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, अगर कुछ और आ गया तो वो नहीं हो पाएगा। ऑल राइट, जैसे मैंने कह दिया इसके साथ मान लो, ठीक है, और ये प्राइम नंबर्स में होने चाहिए, ठीक है, 2 और 5 होने चाहिए प्राइम नंबर्स, 2 और 5 ही होने चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो कुछ ऐसा आ गया, मान लो अब मैंने कह दिया 7 भी आ गया, तो ये गलत हो जाएगा, तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, सॉरी, चैप्टर नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पर सो चैप्टर नंबर सेकंड क्या कहता है हमसे, क्या कहता है बताइए, पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करता है। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में दो ही चीज आप लोगों को याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इसमें जीरोस होते हैं आप लोगों के, ऑल राइट, जीरोस होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, ऑल राइट। सम ऑफ जीरोस की में अगर आप जाएंगे, सम ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, एक फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो कि मैं लिख लेता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म लेता हूँ, ax² + bx + c, ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, उसकी फॉर्म होती है। अगर हमें निकालना होता है अल्फा प्लस बीटा, फिर सम ऑफ जीरोस हम क्या करते हैं, -b/a, और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना होता है, इफ यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो हम क्या करते हैं, c/a करते हैं। देख लीजिए, b क्या है, कोफिशियंट ऑफ x, a क्या है कोफिशियंट ऑफ x², c क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, a क्या है कोफिशियंट ऑफ x², ये चीज आप याद रखिए। अब देखिए एक चीज, टू जनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म, टू जनरेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करना है, सो दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये और ये। अब करना क्या है देखिए, सिंपल, मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स है हमारे पास, ऑल राइट, एफ एक्स लेवल होता नहीं है, लेकिन लिख लीजिए एफ एक्स, फिर पी एक्स आपकी मर्जी। सो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, के कॉन्स्टेंट होता है, x² - आप लोगों ने पढ़ा हुआ लगेगा आपको, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस, देखिए थोड़ा फटाफट कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ, ऑल राइट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं, ये एक दो तीन जो चीजें हैं, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के पेपर में है, जो कि आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। सो अल्फा और बीटा यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। एक चीज और, मिडिल टर्म स्प्लिट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट भी है एक टॉपिक, उसको भी आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा। मिडिल टर्म सब करा रखा है मैंने, सारी क्लास मेरे देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऑल राइट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, थोड़ा बहुत इस पे भी एक दो नजर डालना क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये तीन चीज
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जीरोस। यहाँ से हमारा जब ये हमें दिए होते हैं तो ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट करने के लिए पूछता है। आप लोगों से कहेगा कि दो जीरोस आप लोगों को दे रखे हैं, फाइंड कीजिए एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की इक्वेशन फाइंड कीजिए, ठीक है, टू जनरेट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वेशन, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन अब चैप्टर नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं, क्या हमारे पास चैप्टर नंबर थर्ड आता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सो ये चीज आप लोगों की तो हो गई है। नाउ मूव टू द चैप्टर नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं, ये सबसे मजेदार टॉपिक है आप लोगों का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑलराइट, तो सबसे मजेदार चैप्टर आप लोगों का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोगों का यहां पर जो थर्ड है हमारा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑलराइट, सो देखिए दोस्तों उसमें क्या है, सबसे पहली चीज, सबसे मेन चीज इसमें क्या है, आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, ए वन एक्स प्लस बी वन बाय प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने वाला है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं आप लोग को रटा देता हूँ, ठीक है। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन का सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। ऑल राइट, देखिए कुछ नहीं करना है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये चीज याद रखिए, अगर ए वन अपॉन ए टू ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू आपको मिलता है, सो यहाँ पर से फटाफट इन तीन चीजों को देख लीजिए आप लोग, ये किस टाइप का होगा, ये जब मिलेगा आपको तो क्या होगा, एक तो पहली बात आप लोगों को इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिल जाएंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएंगी। ऑल राइट, दूसरी चीज आप लोगों को एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, साथ साथ कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन भी नाम आता है कभी कभी आप लोगों को पूछ के बोल देता है आप लोगों से। ऑल राइट, एक चीज और, ये पेयर ऑफ कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट होता है, ये सिस्टम है इसका कि ये कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए ग्राफ में, जब आपको दो इक्वेशन दी होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा होगा सो आप डेफिनेटली आंसर में लगाइए कि उसका जो जो उसकी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग मिलेंगी। सॉल्यूशन की बात करेगा तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, और कैसा सिस्टम है उसका पूछेंगे तो कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। सो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाई जाएगी। दूसरी चीज आती है, अगर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, जब कभी भी ये मिलता है तो आप लोगों को पता है तीन चीजें हमें मिलती हैं इसमें भी, क्या 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 चीजें मिलती हैं, देखिए एक तो हमें मिलेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ऑलराइट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के साथ साथ आप लोगों को देखिए ये क्या मिलता है, कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट लाइंस जिनको कहते हैं, ठीक है। एक चीज और देखिए, कंसिस्टेंट के साथ साथ कह सकते हैं आप लोग, कभी कभी पूछेगा कंसिस्टेंट, नहीं तो क्या पूछ देगा, डिपेंडेंट पेयर, ये होते हैं डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट पेयर, तो ये इनके सिस्टम हो गए। ऑलराइट, डिपेंडेंट पेयर ये हो गए इनके सिस्टम, एक बार इनको देख लीजिए आप लोग, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन बाय टू सी वन बाय सी टू, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के साथ साथ कोइंसिडेंट लाइंस और कंसिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लास्ट टॉपिक इसमें बसता है हमारा, क्या ए वन अपॉन ए टू जब भी आपको ये मिलेगा इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इसको अगर देखें हम तो देखिए इसका क्या रिजल्ट निकलते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसके रिजल्ट क्या क्या होते हैं। एक तो नो सॉल्यूशन, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा हमें मिलेगा पैरेलल लाइंस, और तीसरी चीज इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये चीज हमें तीन चीजें हैं जो हमें पढ़नी है इसमें, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ से बनेगा। एक चीज और फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर से आप लोगों से कभी कभी क्या होगा, ये आपको इस टाइप की जो चीजें हैं यहाँ पर, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर इनका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर से आप लोगों को क्या होगा, इसमें सारी वैल्यूज दी होंगी बट एक वैल्यूज मिसिंग होगी, तो आपको वहां से के फाइंड करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन कर लेना इस टाइप के, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले। और भी कुछ मिसिंग होता है फ्रेंड्स, देखिए मैंने क्लासेस ले रखी, वहां पर आप देख सकते हैं। सो ये तो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन जो क्लास है हमारी मेन, आप उसको भी प्लीज जाकर देख लीजिए, ठीक है, एमसीक्यू की क्लासेस हो गए, असिस्टेंट रीजन हो गए, ये सब कुछ, ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से।
ओके नाउ फ्रेंड्स, देखिए करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 4। सो अभी हमारे पास यहाँ पर मैंने जितना नोट्स बनाए थे ठीक हो गया। सो उसमें हमारे पास इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। कंसिस्टेंट ठीक हो गया, कॉन्सोनेंट लाइन हमने कर ली है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो गया है, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये सारा चीज़ हमारी हो चुकी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने, तो कहीं पर अगर थोड़ी सी वैसे मिस्टेक्स कहीं नहीं हो रही है आप लोगों की, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ मैंने करवा रखा है आपको, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आती है चौथा नंबर का चैप्टर, जो कि हमारा कहलाता है क्या, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ऑलराइट, सो कोऑर्डिनेट की तरफ बढ़ते हैं अब हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी, देखिए इसमें सबसे पहली चीज आप लोगों से क्या पूछेगा, आप लोगों को पता है एप्सिसा होता है एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स होते हैं वाई एक्सिस। चलो ये तो आपका 9th का टॉपिक हो चुका है, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज में डिस्टेंस फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, ये सभी हर सब सब लोग, मतलब जितने क्वेश्चंस हैं मोस्ट प्रोबेबली जितने क्वेश्चंस हैं समझ लो आप लोगों के डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाएंगे। ऑल राइट, होंगे ही होंगे। सो ये होता है आप लोगों को पता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये चीज आपको पता है, ठीक हो गया, वेरी वेरी सिंपल। दूसरी एक चीज हमको ये मिलेगी कि अगर एक लाइन है हमारे पास ए बी, ठीक है, एक पॉइंट इस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए एक पॉइंट आया ये। ऑलराइट, देखिए ये पॉइंट, एक चीज और, एक पॉइंट जो है लेट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, अगर सी मिड पॉइंट है, ऑलराइट मिड पॉइंट है सी, अगर मिड पॉइंट है तो यहां पर भी इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ होगा एक्स वन कॉमा वाई वन कुछ होंगे, और यहाँ भी होगा एक्स टू कॉमा वाई टू। ऑल राइट, तो अभी मिड पॉइंट पर है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर हमें, मिड पॉइंट है ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी, ये निकालने होंगे, तो कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ठीक है। ये आपका दूसरा जो बनता है इसका टॉपिक वो है आपका मिड पॉइंट का। ऑल राइट, किसका है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का है, जिसमें कि 1:1 में आपका डिवाइड करता है। तीसरी चीज इसमें आती है सेक्शन फॉर्मूला। ऑल राइट, सेक्शन फॉर्मूला कह सकते हैं डायरेक्ट, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ऐसे ही एक पॉइंट आया है जिसने क्या करा, इस ए बी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया। लेट सपोज उसने करा, अभी अभी मिड पॉइंट पर नहीं आया ना, अभी तक तो मिड पॉइंट पर आ रहा था, बट अब नहीं आया मिड पॉइंट पे, मान लीजिए इस तरीके से एक्स वन कॉमा वाई वन और ये हो गया हमारा एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक हो गया। ये चीज आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से देखना आप लोग, यहां से अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट हमारा, इसको पी मान लीजिए, ये ए है और ये बी है, ठीक हो गया, मान लीजिए एम रेशियो एन में डिवाइड किया। सो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला बनता है, अगर हमें एक्स कॉमा वाई निकालना हो, ये रेशियोज आपको दिए होंगे, ठीक हो गया। सो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और दूसरा वाई निकालना हो तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आप लोगों की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला डिस्टेंस हो गया, मिड पॉइंट हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। एक लास्ट चीज़ में और बचती है, इसमें क्या कभी आपसे कोलिनियर के बारे में पूछ लेगा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये पूछ लेगा। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जो किसी एक ही स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को मिलेंगे, लाइक दिस अगर मेरे पास, तो उसकी एक कंडीशन भी कहलाती है, ये तीन पॉइंट्स मान लो ए बी सी, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। एक सिंगल लाइन में हमें मिल रही है, तीन के तीन पॉइंट्स है, सिंगल किसमें मिल रही है, सिंगल लाइन में तीन के तीन पॉइंट्स मिल रही है। सो इसका एक रिश्ता होता है, यहाँ पर से वो पूछेगा कि यहाँ से, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होता है, कोलिनियर की कंडीशन होती है, ठीक हो गया, कोलिनियर की कंडीशन होती है। और भी मैंने आपको क्लासेस ले रखी हैं, आप लोग क्लासेस देखिए, ये ट्रायंगल्स की क्लासेस जो सॉरी ये क्या हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लासेस भी मैंने आपकी ले रखी है, और भी कुछ मैंने आपको बता रखा है। सो एमसीक्यू पर जाइए आप लोग, वहां पर आपको सब मिल जाएगा। ऑल राइट, सबका सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से करवा रखे हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5th की तरफ बढ़ते हैं, इसका अब हम सेक्शन फॉर्मूला मिल गया आपको, एक्स एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम वाई टू प्लस एन वाई वन इस तरीके से। ऑल राइट, ये एक्स वन प्लस एक्स टू पॉइंट टू, तो कुछ मिसिंग तो नहीं है, है तो आप हमारी एमसीक्यू की क्लासेस में जाइए, वहां आपको सब मिल जाए, ठीक हो गया। और एक क्वेश्चन आप लोगों का इसमें मैं और बताता हूँ आपको, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ये, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ठीक है। सो एक पॉइंट होगा पी, जैसे मान लीजिए पी एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है कहाँ से,
इस तरीके से, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना आप लोग, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, या फिर एक्स एक्सिस कहेगा और या फिर वाई एक्सिस कहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। एक्स एक्सिस होगा तो एक्स कॉमा जीरो एंड वाई एक्सिस होगा तो जीरो कॉमा वाई, ये आप लोगों को पता है। उसमें ये और ये साइड बराबर जाएंगे आपकी, वहां से आपको एक्स निकालना पड़ेगा या फिर वाई निकालना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है। सो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। वैसे तो बहुत कुछ है कराने को, जो मेन टॉपिक है आप लोगों का वो कवर होना है यहाँ पर अभी। सो अभी वही कवर करेंगे हम। एक मिनट मैं इंक फिल कर लेता हूँ थोड़ी सी। सो फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम आपके होने वाले हैं, लास्ट 45 डेज आप लोगों के बचे हैं, आई थिंक 45 नहीं 40 डेज बचे होंगे अब। सो 4 दिसंबर 2021 को आपका एग्जाम है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर से हम क्या करते हैं, एक चीज़ और कर लेते हैं, लास्ट एक बार ट्राइंगल देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सो ट्राइंगल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो फिफ्थ है हमारा। और ट्राइंगल्स में देखिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है करने को वैसे, ठीक है। हो गया, ट्राइंगल्स में काफ़ी कुछ है आप लोगों का करने को। यहाँ देखिए, सो ट्राइंगल्स में क्या है, देखिए ध्यान से देखते हैं। ट्राइंगल्स में कुछ नहीं है, मान लो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ऑलराइट। हमेशा कंडीशन तो यही मिलने वाली है आपको पेपर में, अगर ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, मैंने कह दिया पी क्यू आर, ऑलराइट, पी क्यू आर, जब ये सिमिलर होंगे, ऑलराइट। यहाँ मैंने लिखा है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सो यहाँ से जो रिजल्ट मिलने वाला है, एक तो ये मिलेगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ऑलराइट, ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग इसको करिएगा, ठीक हो गया। और एक चीज़ और देखिए, अगर ये सिमिलर है, मैंने कहा था कोई भी दो एंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं किसी ट्राइंगल में, सो उसकी थर्ड साइड थर्ड एंगल भी सिमिलर आता है, इसका मतलब वो पूरा ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल बन जाता है। तो सिमिलर ट्राइंगल बनने के बाद ये कंडीशन आप लोगों को आपके हाथ पे मिलती है। अब आते हैं कि इनका अगर इंडिविजुअली एरिया का रेशियो पूछें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मतलब साथ पूछें, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इस पर थोड़ा सा नज़र डालना, कुछ मत करना, जो साइड लिखी है आपने इनका स्क्वायर कर देना, और जो साइड गिवन होगी उसके हिसाब से करना, ऑलराइट। ये देखिए, ये मैंने आपको क्लास ले रखी, अभी ये क्लास ले रखी मैंने, इससे बेस्ट प्रीवियस क्लास हमारी यही होगी, तो आप उसको देखिएगा, ठीक हो गया। तो इससे प्रीवियस क्लास हमारी यही है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक हो गया। जब भी आपसे इनका रेशियो पूछा हो, तो किसी भी दो साइड के, किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आप लोगों को दिया होगा, जैसे कि यहाँ 4 और 3 दिया होगा, आपसे पूछा होगा इसका रेशियो निकालें, इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालें, दोनों ट्रायंगल के, ये 4 होगा ये 3 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सो 16:9 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बनने वाले हैं, डेफिनेटली बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं इसमें आप लोगों को बता देता हूँ, क्या कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों को, ये देखिए यहाँ से ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट में रहा है अभी तक। तो ये देखिए, मान लीजिए ए एम और पी एल, ठीक है, देखिए ए एम एंड ये पी एल जो हैं, ये एल्टीट्यूड्स हैं, मतलब हाइट हैं, एल्टीट्यूड्स हैं। अगर मान लो, मान लीजिए आप लोगों को साइड्स नहीं दे रखी हैं, किसी भी कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं दे रखी हैं बस, लेकिन आप लोगों को दोनों ट्राइंगल की हाइट्स दे रखी है, एल्टीट्यूड्स दे रखा है, तो हाइट और एल्टीट्यूड एक ही बात है, ठीक हो गया। सो तब उसका रिलेशन कहें, तब वो पूछेगा आपसे कि रेशियो निकाले, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकाले, तो तब भी क्या होगा, ध्यान से देखना आप लोग, तब भी क्या होगा आप लोगों का। सो यहाँ पर देखिए, उस टाइम पर भी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, देखिए AL अपॉन, सॉरी AM, देखिए ये वाला, हाँ AM, AM, सो AM अपॉन क्या होगा यहाँ से PL, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ऑलराइट। ये भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, एक चीज और देखिए, अब बताइए ये और ये दोनों सेम हो गए, तो ये जो है इधर वाला हिस्सा जो है इसके बराबर हो गया, हो गया। तो कभी कभी ऐसा होगा आप लोगों से पूछ लेगा, क्या आप लोगों से पूछ लेगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बता दीजिए, अगर एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं तो आप इनको और इनको साथ रख के निकाल सकते हैं, और उनकी किसी, और ये पूछ सकता है कि क्या आप लोग से क्या पूछ सकता है कि उस किसी दूसरे किसी एक ट्रायंगल की साइड भी निकालिए आप लोग साथ साथ। देखिए मान ले, मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये दिया हो, ये बी सी अपॉन क्यू आर में बी सी दे रखा हो, ठीक है, क्यू आर फाइंड करना हो, एंड ये और ये दे रखे हैं आपको, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, इसको उसके बराबर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है, वहाँ भी तो यही है, और दोनों ये इसके बराबर है,
ये इसके बराबर, तो इसका दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो ये सब आपस में बराबर। इट मीन एक रिजल्ट हमारा यहाँ से इस तरीके का भी आ सकता है। देखिए ये, देखिए ये रिजल्ट कह रहा हूँ मैं ये। ऑल राइट, तो इसको भी आप लोग प्लीज याद रख लिए, कहीं ना कहीं काम आएगा। ऑल राइट, अगर ये निकालना हो ये सब दिए तो आप डेफिनेट आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक हो गया। एक चीज और, अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम पैरामीटर की तरफ। ठीक हो गया। कभी कभी आप लोगों से पूछ लेगा कि पैरामीटर का रेशियो निकालिए, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। तो आप लोग कुछ मत करना, दो साइड आपको गिवन होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड, उनका रेशियो निकाल लेना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए बी अपॉन पी क्यू या कुछ भी। हाँ, बी सी अपॉन क्यू आर या फिर ए सी अपॉन पी आर। इन ये चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखना, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर पैरामीटर का रेशियो पूछा, ठीक है, पैरामीटर एंगल ए बी सी एंड पैरामीटर एंगल पी क्यू आर, इनका रेशियो पूछा, तो आप ये कर लेंगे। अब चलिए लास्ट चीज़ में बीपीटी थ्योरम, जो कि मैं थेल्स थ्योरम कहलाते हैं, उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। ठीक है भैया, ये चीज़ आप लोग रात के याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनने वाला है आप लोगों का। सो चलिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ और है आप लोगों की यहाँ पर, उसको भी कर लेते हैं। चलिए नाउ मूव, अरे सॉरी, यहाँ पे ट्राइंगल्स ही कर रहे हैं ना। सो ट्राइंगल्स में एक चीज़ और, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है डेफिनेटली, मैं आपको गारंटी देता हूँ इसकी। तो ठीक हो गया, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये डी एंड ये ई। देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ से, इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, अगर ये गिवन होगा, सो कंडीशन मिल जाएगी यहाँ से कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ऑल राइट, ये चीज़ आप प्लीज ये बात, ये तो हमेशा याद रखिए आप। ठीक हो गया। एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है, ये और ये दिया होगा, ये निकालना होगा, या फिर ये दिया होगा, ये निकालना होगा, और ये वाले साइड्स दे रहे होंगे सब, तो तब क्या रिलेशन होगा। एक चीज़ और होता है, यहाँ से देख लिए, ए डी अपॉन ए बी उस समय, ठीक है, ये ए डी अपॉन पूरा ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, याद कर लीजिए। ठीक है, और ऐसे भी तो हो सकता है इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। सो आप किसी भी दो को इक्वेट कर लेना, या तो इन दोनों को रख लेना, अगर ये दिया होगा तो इन दोनों को, ये दिया होगा तो इन दोनों को। ठीक हो गया, मतलब कुछ नहीं, आप सेपरेटली या तो इनको रख लीजिए साथ, या फिर इनको रख लीजिए साथ, कुछ भी कर लीजिए। मतलब आप ऐसे भी निकाल रख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये हो सकता है ना बस, या फिर क्या ए ई अपॉन ए सी, ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ठीक हो गया। सो ये चीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, यहाँ से हमारा क्वेश्चंस बनेगा, और क्वेश्चंस मैंने करवा भी दिए हैं। ठीक है, सैंपल पेपर, जो मेन चीज़ है सैंपल पेपर, वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर मैंने सब कुछ करवा रखा, सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी, एम सी क्यू की क्लास में भी। असर रीजन अभी नहीं आया इसका, और जो हमारे और भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन फॉर्मूलेज में क्वेश्चन है हमारे, वहाँ पर भी मैंने आपको करा रखा, और यहाँ भी आप लोगों को करवा दिया है। सो आप इन चीज़ों को तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सो अभी हमारे दो चैप्टर्स, आई थिंक तीन चैप्टर्स और बचते हैं, प्रोबेबिलिटी, एरिया रिलेटिव सर्कल एंड ट्रिग्नोमेट्री, इनको हम आखिरी में करेंगे, मतलब अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। सो अभी और इसमें कुछ बचता है तो देख लीजिए, और कुछ नहीं बचता है, और तो कुछ नहीं बचता है। ठीक हो गया, और कुछ नहीं बचता। सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक हो गया, और थोड़ा बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, जो आपके स्टेटमेंट वाले, उनको देख लीजिएगा आप सभी लोग। स्टेटमेंट मतलब जैसे दो पोल्स ऑफ हाइट, इस तरीके। सो अब फिर क्लास जो है, इससे पहले की क्लास वही है, ठीक है। सो दो पोल्स हैं जिनकी, सॉरी दो पोल्स हैं, एक की हाइट कुछ है, एक की हाइट कुछ और है, तो उनकी शेडो ऐसे बन रही है, इनकी शेडो ऐसे बन रही है। ठीक हो गया, आपसे पूछ देगा कि उस टावर की हाइट बताइए, अभी उस पोल की हाइट बताइए, ठीक है। सेम टाइम पर मान लीजिए 50 मीटर है, ये 10 है, और ये एक्स है, और ये मान लो 25 है, इस तरीके से। तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा, आप लोगों को देख रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा, उस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा, जो कि सिमिलर ट्राइंगल से आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने आप लोगों को करवा रखा है, देख लीजिएगा सारी क्लासेस। ऑल राइट, सो देखिए आज के लिए इतना ही था, इस क्लास को आप प्लीज अच्छे से देख लीजिए एक बार। ओके सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर,
सो फ्रेंड्स देखिए आज के लिए इतना ही था। इस क्लास को आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम है आपका रिवीजन के लिए, लास्ट 30 डेज आप लोगों के बचे हैं प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। प्रीवियस क्लासेज जितनी भी हैं प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है, वहाँ पर से आप सब लोग जाके उस क्लासेस को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, and thank you.